हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हो रही है, तो चलिए कुहू के लिए बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर मैं एप्पल को स्टीम कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से स्टीम करती हूँ। एक बाउल में कुछ भी कटोरी वगैरह रख करके और उसको ढक देती हूँ, और स्टीमर की तरह काम करता है ये, बिल्कुल देसी तरीका ऐसे। और दूसरी तरफ पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, ये होममेड घी है, A2 घी बनाया है घर में, और उसमें मैंने ऐड कर दी है 1 स्पून सूजी। तो इसको अब हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर टर्न आउट नहीं हो जाता है। तो अभी देखिए ये वाइट कलर की है, थोड़ा थोड़ा रोस्ट करने के बाद 5 मिनट्स लगते हैं, थोड़ा सा ऐसे लाइट ब्राउन कलर की जब तक ये नहीं हो जाती तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से। जब ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी, तो एप्पल को मैंने बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं किया है, बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए स्टीम किया था, और अब उन्हीं एप्पल को मैं निकाल करके इसमें जो सूजी है ना उसमें ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूंगी। 2-3 मिनट तक हम इसको कुक होने के लिए देंगे, और फिर हम इसकी प्योरी बना करके कुहू को देने वाले हैं। तो ये देखिए प्योरी बन गई है, और ये इतना ज़्यादा पसंद है कुहू को, तो दिस इज़ लाइक अ एप्पल सैरलैक, तो दिस इज़ वन ऑफ द कुहूज फेवरेट डिश। तो यहाँ पर मैंने मखाने को पहले तो ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया और फिर से उसको रोस्ट किया। तो जब तक ये अच्छी तरीके से क्रंची नहीं हो जाते तब तक इसको रोस्ट करना है, और इसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल और चावल को अच्छी तरीके से वॉश करके 2 घंटे सोक किया, और उसके बाद अब हम इसको सेकेंगे, थोड़ा सा पाउडर बनाने वाली हूँ मैं इन शॉर्ट। तो ये यहाँ पर मखाना ऑलमोस्ट हो चुके हैं, चलिए आइए इनको फटाफट से हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर में। तो ये ग्राइंड कर लिया है, मूंग दाल और चावल को भी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे, और ये देखिए इसको अब हम वापस से ग्राइंड करेंगे और इसका एक ड्राई फाइन पाउडर बना करके रेडी करेंगे। तो एक तरीके का प्रीमिक्स है, आपको सिर्फ गर्म पानी डाल करके, आप वेजीज डाल करके तुरंत फटाफट बना सकते हो, आप नॉर्मली भी इसको रख सकते हो अपने पास ऐसा करके। तो मैंने अभी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग पर्पज़ से बनाया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और अब हम इसको अच्छी तरीके से छान करके रखेंगे। ओके, तो ये हमारा दाल चावल प्रीमिक्स जो है वो रेडी हो चुका है। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। मेरी हालत देख के आप समझ सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग कल ट्रैवल कर रहे हैं भोपाल के लिए। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसका मुंडन होने वाला है कुहू का, तो हम लोग कल निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ पर जो मुंडन होता है वो होता है नवरात्रि के टाइम पे। तो मैं पैकिंग कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब तक क्या होता था, विक्की और हम दोनों भी जाते थे ना, तो घर को वाइंड अप करना और सारी चीज़ें करना, क्योंकि 15-20 डेज के लिए जा रहे हैं हालांकि, बट स्टिल पूरा घर पैक करके जा रहे हैं, और हमारे पास प्लांट्स बहुत सारे हैं। तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने घर परचेज किया था और तुरंत से मेरे पापा का ये हो गया था, मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग ऐसे ही भागे थे, और हमारे जितने भी प्लांट्स थे वो सारे मतलब ख़राब हो गए थे। वो तो चलो ठीक है, उस टाइम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बट अभी हमने ये सोच के रखा था कि इस बार हम लोग प्लांट इरीगेशन सिस्टम DIY कुछ तो करेंगे। पहले तो हमने बहुत ऑनलाइन देखा, बट हमको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे बालकनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कुछ भी वाटर सिस्टम नहीं है कि आप वहाँ पर लगा के छोड़ दो। फिर हमने बॉटल वाला सिस्टम भी सोचा, वो जो जुगाड़ नहीं होता आप धागा छोड़ दो वैसा, वो तब ठीक है जब आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हो। मैं कर चुकी हूँ, जब मैं पुराने 1BHK में रहती थी ना, तो मैंने वो किया हुआ है, बट बहुत सक्सेसफुल नहीं लगा मेरे को वो, सच बताऊँ तो। दूसरे हमने मतलब मैंने बताया ना, मैंने बहुत सारे तरीके के अभी हिट एंड ट्रायल हमने करा, फिर विक्की ने एक बहुत अच्छा DIY बनाया है जुगाड़ वाला। मेरे को कॉमेंट्स में आया था कि आप बताइए हमको कि कैसे कैसे करना है एंड ऑल दैट। यार अभी पहले मेरा वर्क तो कर ले दीजिए, मतलब अभी जब मैं जाऊँगी दिखेगा कि हाँ मेरे सारे प्लांट्स एकदम सही हैं, तब वो सिस्टम आपको बता दूंगी। और ये अगर वर्क कर गया ना तो मज़ा आ जाएगा, मतलब क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है हमने। अब हम इसको अगर ये वर्क कर गया तो हम उसको परमानेंट कर देंगे, फिर अभी हमने टेम्प्रेरी एक जुगाड़ बैठाया हुआ है। सेकेंड चीज़ आती है, क्योंकि हम रोड ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक कुहू रोड, वैसे तो वो बहुत छोटी सी से देखिए हम, आपको पता होगा मैं आयुर्वेदिक वैद्य किया जाती थी, तो हमारे भोपाल से वहाँ जाना भी 2.5 घंटे का रास्ता था, तो वो ट्रैवल करी है ऐसे, इंदौर गए हैं तब भी वो ट्रैवल करी है, तो ऐसे तो ट्रैवल करी है, बट इतना लंबा जर्नी कभी ट्रैवल नहीं किया। और यही मेन रीज़न की वजह से हमको पता था कि हम भोपाल अभी जब भी जाएंगे तो हम गाड़ी से जाने वाले हैं, तो हमने कार सीट परचेस कर लिया था जल्दी, ताकि उसको कार सीट पर बैठने की आदत हो जाए। तो एक चीज़ अच्छी है कि वो कार सीट पर बैठ के सो जाती है। कल ट्रैवल के लिए मैंने आज इंस्टाग्राम पर ना ऐसी पोस्ट डाला, मैं सोच के बैठी थी कि मैं बनाना लेके जाऊंगी, ऑब्वियसली पैक, ऐसे नहीं कि उसको मैश करके ले जाऊंगी, नॉर्मल बनाना रख लूंगी, जो इलायची बनानास होते हैं वो, और ब्रेस्ट मिल्क में उसको मैश करके इसको दे दूंगी। सबसे बेस्ट चीज़ है, ख़राब भी नहीं होगा और चलेगा भी, क्योंकि स्टीम और बॉयल तो मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट। और कोई
कोई और खाना रखने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत गर्मी पड़ रही है। वही हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैनेज करने वाले हैं, मैं एक फ़ैन वगैरह सब कुछ लेके जाने वाली हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी जर्नी का। मेरे बाल पूरे गीले हो रहे हैं। आज मैं सुबह 8:15 बजे नहा ली थी, मैं उठी, उठने के बाद मैंने फटाफट मतलब मैं सुबह, आप मेरे को देखोगे ना मैं किस स्पीड में काम करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। कुहू सो के उठती हूँ, उससे पहले मैं अपने आधे काम से फ्री हो चुकी होती हूँ। पौधों को पानी वानी देती हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ, भगवान नहला देती हूँ, छोटे मोटे जो डस्टिंग वस्टिंग होती है फटफट, मतलब इतनी स्पीड में काम करती हूँ मैं उस आधे घंटे से 45 मिनट में मेरे सारे काम निपटा देती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, फिर वो उठती है, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ऐसा। तो क्या बोल रही थी मैं, पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं घर। क्या हो गया? अब ये बहुत चिल्ला चोट करती है, आवाज से निकालने लगी है। हाँ, तो इसके सारे टॉयज मैंने वॉश कर लिए हैं, तो मैं ये सब टॉयज इसके लेके जा रही हूँ, मैंने इसमें रख ली। इसमें देखिए टीथर्स, इसके टीथर्स वगैरह सब कुछ है, सारे जो भी हैं देखिए, तो छोटे छोटे बजने वाले ये सब हैं। फिर इसको हम लोग बाथ देंगे, उसको शार देंगे, उसको हम लोग शार देंगे ना, तो उसके लिए ये सब बाथिंग टॉय, मैं बोलने ही दे रही मुझे भाई लड़की, बाथिंग टॉयज वगैरह सब रख रखे हैं। ओके, नेक्स्ट ये इसके सारे रबर बैंड्स हैं, मैंने इसमें रख दिए अलग अलग कलर के एक बॉक्स में। और क्योंकि अभी मुंडन है तो मेरी मम्मी ने बोल के रखा है कि कुहू के लिए हमारी तरफ से, देखो ये लड़की को देखो, हमने पूरे से बाउंड्री बना के रखी हूँ, कपड़े लेने के लिए कूद रही है। हाँ, तो हमने मम्मी की तरफ से भी उसके 3-4 कपड़े मेरी मम्मी ने अमाउंट दे रखा है, उसको बोला है कि उनकी तरफ से कुछ कपड़े वपड़े लेकर के आ जाना इसके लिए। उसके बाद इसके टोटल मैं 20 पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके जा रही हूँ, पर डे के हिसाब से मैं 5 रख रही हूँ, हालांकि 5 नहीं आते हैं, 3-4 तो वो बदलती है। देखो अभी वो खाने वाने लगी है तो कपड़े भी खराब कर देती है, नो मैटर मैं उसको बिब लगाऊँ चाहे कुछ लगाऊँ। तो सिलिकन बिब अभी तक मैंने उसका लिया नहीं, मुझे लेना है, लेकिन अभी मैं कपड़े वाला बिब लगाती हूँ। के एक दिन के 5 जोड़ कपड़े रखे, ठीक है कुहू। तो हालांकि उधर पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैंने एक्स्ट्रा काफी सारे रखे हैं, 20 क्लोथ रख लिए हैं उसके। कितनी क्यूट फ्रॉक ड्रेस है ये देखिए, स्विगल का प्रिटी लाइक मॉमी, तो मैं उसको ये पहनाने वाली हूँ। बहुत सही है, कॉटन है और एकदम बढ़िया है, यही पहना के इसको सुला दूंगी, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, तभी टाइम पे पहुंच पाएंगे। ये वाला ड्रेस देखिए, येलो कलर का, ये भी सब ऐसे ही मैंने लिए है गर्मियों के हिसाब से, ये देखिए लुक एट दिस हाउ क्यूट ना। तो ऐसी फ्रॉक्स मैंने इसकी काफ़ी सारी ली हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे वहाँ पर एसी नहीं, भोपाल में ऐसा होता है कि एसी की बहुत नीड नहीं होती है, कूलर में काम चल जाता है। तो और मेरे फादर इन लॉ इन सब चीज़ों के बड़े अगेंस्ट रहते हैं कि क्यों लेना है एसी, क्या करना है। अब ये कुहू जो है इसको लगती है भयंकर गर्मी, इसके लिए अभी हम लोगों और घर पर पहले से बता के देते तो मना हो जाता, यहीं पर हम लोगों ने ऑर्डर किया, भिजवा दिया, तो और वो कल लग भी गया, तो वहाँ पर फाइनली एसी लग चुका है। सारे कपड़े जो हैं कुहू के पैक हो चुके हैं, सब पैक हो गए। मैं तुझसे मिलूंगा। ये पूरे बैग में अभी सिर्फ कुहू का ही सामान आया है, जिसमें से ये अभी उसके टॉयज हैं, टीथर जो सारी चीजें हैं, ये उसका डाइपर बैग है जो मैं अलग से रखने वाली हूँ, डाइपर्स तो अभी मैंने रखे ही नहीं है, उसके जो खाने का सामान है वो अलग जा रहा है। तो भाई साहब, जबकि मैं अभी, मेरा तो सामान चालू ही नहीं हुआ, पैकिंग मेरी चालू ही नहीं हुई, मैं कुछ लेके भी नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरा जो 4 फीडिंग टॉप है वही लेके जा रही हूँ, बिकॉज मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, घर पे मेरा बहुत सारा सामान ऑलरेडी है। मैं तो ये सोच रही हूँ, जो लोग बच्चे के साथ बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग्स करते हैं, बॉस मेरी तरफ से आप सबको एक ग्रैंड सल्यूट। मेरे को तो ये भी टेंशन हो रहा है अभी आकर के मुझे फिर अनपैकिंग करनी पड़ेगी। हम उसका वो भी लेके जा रहे हैं, जो वो भी लेके जा रहे हैं, अब वो ये वो, मैं भी उसी जोन में आ गई, अब समझ जो वो भी के लिए, ये भी लेके जा रहे हैं। कैमरा तो मैं सोच रही हूँ नहीं लेके जाती हूँ, मैं मोबाइल से ही काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकूँ, तो मैं सोच रही हूँ कैमरा नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत तामझाम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगा। अपना जो लैपटॉप है वो तो मैं विक्की के उसमें रख दूँगी। लैपटॉप ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी इनवॉइसेस ये वो मेरा इतना काम पेंडिंग है मेरे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हम आपको ये सामान भेजेंगे, हम वो सामान भेजेंगे,
जो पेड कोलैबोरेशन है ना वो मैंने अभी 2-3 कैंसिल करे क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऑन टाइम में नहीं दे पा रही हूँ चीजें। विक्की का ऑफिस प्रेशर इतना भयंकर है, आपको पता ही होगा मार्च अप्रैल बहुत काम होता है, बहुत हर जगह बहुत काम होता है, तो विक्की को इतना ऑफिस का काम है कि वो तो शुक्र है कि, और तो वो ऑफिस जाता है, शुक्र है कि वो थोड़ा जल्दी भी आ जाता है तो भी वो अपना रूम में बैठा रहता है, उसकी कॉल्स वगैरह चलती रहती है। तो वहाँ से अभी मुझे फिलहाल हार्डली देयर इज ओनली 5% 10% हेल्प, बाकी पूरा उसको खिलाना नहला खिलाना तैयार करना सारी चीज़ें और घर का मैनेज करना भी मैं देख रही हूँ। सो आई एम नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम देयर एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन लॉट ऑफ प्रेशर। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप टाइमलाइन जैसे नॉर्मल व्लॉग्स बना करके पोस्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग, कभी डिले भी हो गया तो चल जाता है। अभी ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ होता है टाइम होता है, डेडलाइन होती है, तो मैं महीना का 1 या 2 ही ले रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से कर पाऊँ, बाकी मुझे ऐसा कोई प्रेशर ना रहे एक अलग से कि अरे मुझे ये देना है फॉर नाउ अभी। तो इस चक्कर में ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, 6 महीने ऑलमोस्ट, तो उस चक्कर मेरे काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं वो मेरे कैंसिल आउट भी हुए हैं। काम का मैं इतना प्रेशर नहीं ले रही हूँ, मेरे को ये जब मैं कंसीव किया था तब मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर थी इस चीज़ को लेकर के कि थोड़ा मेरे काम पे सफ़र चीज़ें करेंगी। 1 साल का मैं टाइम लेकर के चल रही हूँ आराम से, एंड आई एम गोइंग वेरी स्लो, ऐसा नहीं जंप आउट कर रही हूँ कि मुझे फटाफट। अभी जैसे एक बहुत अच्छे ब्रांड का, मैं उनके साथ बहुत टाइम से काम करती आ रही हूँ और बहुत अच्छा अमाउंट देते हैं वो, उन्होंने मेरे को ना, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 दिन का टाइम दिया था कि आपको 3 दिन में हमको वीडियो करके देना है। तो मैं मम्मी को यही बताई थी, मम्मी बोलती तुम कर देती ना, क्या जा रहा था तुम्हारा करने में। मैंने कहा मैं नहीं, मुझे इतना जल्दबाजी वाला काम नहीं करना अभी फिलहाल बच्चे के साथ, तो ठीक है यार आई एम जस्ट गोइंग वेरी स्लो, क्योंकि ये जो मोमेंट्स मैं इसके साथ स्पेंड कर रही हूँ ना ये कभी वापस नहीं आने वाले हैं। इसके टाइम के बाद वो सिर्फ बड़ी ही होती जाएगी, कभी गोदी में नहीं आएगी फिर मेरे, फिर वो इस तरीके से जब उसको तैयार करती हूँ वो नहीं आएगी, मतलब ये सारा मोमेंट्स आई एम जस्ट चेरिशिंग इट, मेकिंग मेमोरीज एंड एन्जॉइंग इट, वैसा है। बाकी देखो सबका अपना अपना तरीका है, हर मदर अपना बेस्ट देती है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो चाहे वो होम मेकर हो, तो वो ऐसा है वॉट एवर इट इज। हाँ मैं पता नहीं कहाँ से चालू कर रही थी, कहाँ पहुँच गई, मैं ये कह रही थी कुहू, हाँ मैं ये कह रही थी, ये क्या, हाँ ये आपका बैग है। जब जब सोचती हूँ ना मैं एक्साइटेड होती हूँ अंदर, जल्दी से सो जाए मैं आज ये काम कर लूँगी, उस दिन ये नहीं सोती है, बाकी नॉर्मल मैं इतना सो जाती हूँ टाइम टू टाइम। कुछ उन्हें भी पूछा था कि 6 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं कुहू के, तो कुछ रूटीन में चेंजेस आए क्या, हल्का सा उसका वेक विंडो बढ़ गया है, बाकी तो ठीक चल रहा है। चलिए मैं उसको सुलाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जो वाटर इरिगेशन सिस्टम की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, देखिए हमने सारे प्लांट्स एक जगह पर रख दिए हैं, अब मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। ये देखिए गाइस पानी आ रहा है अपने आप, सो ये पूरा जुगाड़ है हम लोगों ने पूरा क्रिएट किया है, कुछ चीज़ें तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया है ये। तो ये आने के बाद जब इसी तरीके का वर्क करेगा तब मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 10:38 पे, अभी टाइम हो रहा है 10:38। सो बेसिकली बहुत गंदी तरह से हमारा दिन पूरा पैक था, तो ये जो बेड है ये वाइंड अप तो हमने किया ही नहीं है क्योंकि अभी हमको सोना है, कूँ यहाँ पर सोने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह करेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी निकल जाएँ सेफर साइड, क्योंकि अगर आराम से भी गाड़ी चलाएंगे ना तो 8-9 बजे तक भोपाल टच हो जाएँ। तो लेट्स सी, हमने सोचा अगर बहुत थकान होगी ना क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है तो हम इंदौर में ब्रेक ले लेंगे, और अगर हमको ऐसे लगेगा तो कि बीच में कहीं रुकना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम बीच में भी कहीं भी रुक सकते हैं, ऐसा हमने, हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर चल रहे हैं। द प्लान है अभी सुबह भी मुझे उठ करके इसका खाना तैयार करना है। मैं अभी आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ, इनवॉइस सेंड कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैंने बोला ना ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको पेमेंट देने में रुला तो देते हैं बॉस, मतलब इतने फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं इतने, और अभी मैं जिस सिचुएशन पे हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसी इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आप मुझसे बोलोगे ना अभी ये करना है, उसके 10 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट से अगर मैं किसी और काम में लगी तो मैं भूल ही जाऊँगी कि वो मुझे करना है, वो मुझे 3-4 दिन बाद याद आएगा, मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्टेटमेंट्स भूल जाती हूँ। मतलब विकित कितनी सारी, आप सोचो सबसे बड़ी हिट मैं आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ हेल्पर आती है झाड़ू पोछा वाली, वो एक दिन थोड़ा लेट आई उसके टाइम से, 9 बजे आके करके गई, बट वो मैं अपने किसी काम में लगी थी, मैं उसको 12:30 बजे फ़ोन करके पूछ रही तुम आज आई क्यों नहीं, वो मुझे बोलती दीदी मैं 9 बजे आके करके तो गई, मैंने कहा कहाँ करके गई तुम झाड़ू पोछा, भाई मैंने विक्की को बताया, मैंने कहा ये आई थी क्या, तो विक्की मतलब पागल हो गई हो क्या, वो आई थी और आकर के करके गई, तो मतलब इस लेवल का। तो मुझे बताइए कि ये क्या न्यू मॉम्स के साथ ये हार्मोनल कुछ है या ये मुझे हो रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स होते हैं दे आर हिटिंग हार्ड समटाइम्स। हालत देखो कैसी हो रही है, मेरे को अभी भी काफ़ी सारे डार्क सर्कल्स हैं, दिखते नहीं होंगे कैमरा में बट आई हैव लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स। हेलो हेलो जी,
ये देखो मस्ती कर रही है, पूरी लोटा पार्टी बचा रखी है बेड पे उसने। देखिए 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 बेड की क्या हालत कर रखी है। हाई एवरीवन, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पैक्ड, सिर्फ अभी कुहू सो रही है तो मुझे बेड को थोड़ा सा ठीक करना है, अदरवाइज सब कुछ हो चुका है, सारी चीज़ें पैक वगैरह हो गई हैं। ये कुहू का डायपर बैग है जो कि पैक हो चुका है, इसमें इसका पानी वगैरह सब रख दिया है, मैंने अपना चार्जर रख दिया है। ओके गाइज, हम लोग निकल चुके हैं और ये रही कुहू। एक्चुअली वो थोड़ा उठी गई थी तो मैंने उठा दिया उसको, सुलाया नहीं, मतलब वो फीड लेने के लिए उठी थी, मैंने सोचा उसको गाड़ी में अच्छे से बैठा उठू के सेट करके फिर वो सो जाएगी अपने आप। तो यस, अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, अभी बिल्कुल अंधेरा है। शार्प हम लोग 5:41 पे निकल रहे हैं, 6:45। विक्की का मन था वैसे भी 6 बजे तक निकलने का, तो वो निकलते निकलते हमको 6 बजे ही जाएगा, मतलब थाना क्रॉस करते करते। तो हम लोग निकल चुके हैं, कुहू अच्छे से बैठ गई है, एक नैप उसने ले लिया है, अभी वो उठ गई है। तो हम लोगों ने ना कार में ऐसे छोटे मोटे टॉयज लगा दिए थे उसके लिए, तो उससे काफ़ी अच्छा रहा। तो ये इस तरीके के स्पिन होते रहते हैं वो, तो वो उसको देखती रही और थोड़ी देर में वो गोदी में भी आई, थोड़ा इरीटेट भी हुई। तो बाकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और हम लोगों को भोपाल पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, बिल्कुल ऐसे समर वेकेशन वाला फीलिंग आ रहा था। विक्की की नानी जी भी आए हुए थे, मतलब कुहू की पर दादी हुए वो। तो कुहू यहाँ पर इन्जॉय कर रही है, खेल रही है। और फिर हम लोग अभी रात में नाइट वॉक करने के लिए गए, ये जब हम भोपाल आ गए थे उसके नेक्स्ट डे का है। एंड शी इज़ क्राइंग कि मुझे गोदी में ले लो अब, बहुत देर से खेल रही है वो ऐसा। और ये हम लोग सब मंदिर जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था रोड पे घूमने में और सबके साथ में। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए हमारे घर के आम और कैरियाँ देख लीजिए, बिल्कुल घर में ही लगा हुआ है और छत पे से हम लोग बहुत इजीली इसको तोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने फोटोशूट भी कराया था इसके पास। तो बस मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।